नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो होने वाली है, स्टूडेंट के लिए पूरा फोकस्ड है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो वहाँ पे वो अच्छा अपना नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या चक्कर है इसके पीछे? देखिए, एक कहावत है, अच्छी चीज़ें जो हैं, जो अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो उसका जो फर्स्ट लुक होता है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। जो अच्छी चीज़ होती है वो शुरू में उसके जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसके जो फ़ायदे हैं वो आपको नहीं नज़र आते हैं। उसके अलावा उसका उल्टा आप देखो, जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो डेंजरस होती हैं, एक्चुअली में जो हार्मफुल होती हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी पर्सनैलिटी, दिमाग, हर चीज़ के लिए, वो शुरू शुरू में इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप मतलब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है यार, सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन एक्चुअली में होता ठीक उसका उल्टा है। ये आपको तब दिखता है जब समय पास हो चुका होता है। समय जो है ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और समय जब पास हो जाता है तब आपको लगता है कि यार, जो पहले मैंने देखा था, जो पहले अच्छा लगता था वो बुरा था, और जो पहले बुरा लगता था वो एक्चुअली में अच्छा था। हमारे साथ ये एक्चुअली होता है क्योंकि हम देखिए, हमारा ये एक नेचुरल माइंड होता है, हमारा जो माइंड है ये बिल्कुल नेचुरल है, उसी तरीके से है, बिल्कुल रॉ है एक तरीके से, राइट? अब हम लोग जिधर जो चीज़ हम देखते हैं उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, राइट? लेकिन वो अट्रैक्शन जो है टेम्प्रेरी रहता है। अगर आपको वो अट्रैक्शन अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाना है तो आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको खुद के हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, अपने दिमाग के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगाना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है तो यहाँ पर अपने आप को लगाओ। मन नहीं लग रहा फिर भी आपको लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना, तो बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता यार, बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं होता। बिना कोशिश किए अगर कुछ होता है तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दुनिया भर की बेकार की सोच आ रही है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रही है, दुनिया भर की सोच आ रही है, वो सोच आपके लिए खतरनाक हो सकती है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, क्योंकि वो सोच आप खुद नहीं ले आ रहे हो, आपके एफर्ट से नहीं आ रही है, बल्कि वो ऑटोमेटिक आ रही है, अपने आप आ रही है। और जो चीज़ अपने आप उगती है वो क्या होती है, क्या वो फ्रूटफुल होती है? आपको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। खेत होता है, जो लैंड होती है, जो फार्मिंग जहाँ होती है, वहाँ जो फसल उगाई जाती है, जो फसल उगती है, जो क्रॉप उगती है, वो एफर्ट होता है। एक फार्मर जो होता है, किसान होता है, जो वो मेहनत करता है, उसकी वजह से वो ग्रो होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो क्रॉप नहीं होती है, जो बेकार की चीज़ें होती है, जिसको हम वीट बोलते हैं, जो जो क्रॉप नहीं है, जो क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो खा करके क्रॉप बड़ी हो जाती है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, जिसको घास बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो क्या है, वो बिना उगाए उग रही है, तो वो क्या है, वो आपके लिए फ़ायदा है कि आप घास खाते हो? नहीं ना, आप क्या खाते हो, आप क्रॉप खाते हैं। क्रॉप मतलब कि जो जैसे सीरियल्स हैं, वीट है, ये सब उगाए जाते हैं, मेहनत किए जाते हैं, यहाँ एफर्ट लगता है। तो जो चीज़ बिना एफर्ट से हो रही है, समझ लो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप अच्छी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इन द सिमिलर वे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं लगता, तो आपको ये चीज़ जो है अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बिना अटेम्प्ट किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अटेम्प्ट करोगे धीरे 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 धीरे, आपको थोड़ा सा ही फ़ायदा आएगा, लेकिन उतना फ़ायदा आपके लिए काम करेगा, आपके लिए एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर उतना भी नहीं करोगे तो नहीं आएगा ना, और नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा जो खुद से हो रहा है, और यानी डेंजरस, नॉट गुड फॉर यू। ओके, तो बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि सब चीज़ हो जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, पढ़ने के लिए जब मन ही नहीं करता है, जब भी पढ़ने बैठो तो नींद आने लगती है, ज़बरदस्ती करो तो नींद आने लगती है, और ज़बरदस्ती ना करो तो सर दर्द कर, मतलब ज़बरदस्ती ना करो तो कुछ होता नहीं है, और करने लगो तो या तो नींद आएगी या तो सर दर्द करने लगता है, या फिर बिल्कुल मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, है ना, या इनसे उनसे फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। तो दुनिया अपने आप को हम देखें यार, खुद को देख के, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे माँ बाप हैं जो जिनके बच्चे इस तरीके के हों,
या ऐसे रिएक्ट करते हो, ऐसे चल रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो है अपने आप को जो है इधर उधर खुद को हम भटकाने लगते हैं, कभी इधर लेके जाएंगे कभी। देखिए दिमाग है एक मशीन की तरह, अगर हम सही डायरेक्शन में उसको हम खुद नहीं यूज़ कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली किसी डायरेक्शन में चला जाता है जो चीज़ अट्रैक्ट करती है। कभी ये चीज़ अच्छी लगती है उसके पीछे हो जाएगा, कभी वो अच्छी लगती है उसके पीछे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है अनटेनलेस हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही जगह पर ना लगाएं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ अब मेरे बताने से आप पूरी तरीके से आपका का दिमाग काम करने लगेगा, आप एकदम सही डायरेक्शन में आ जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा पॉसिबल होता, ऐसा पॉसिबल होता तो इस दुनिया के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ना कर लेता, ऐसा पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत हार्ड है, इट्स वेरी हार्ड। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे इस बताने से बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत, बहुत बहुत कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा, उतना ही काफ़ी होता है, उतना ही काफ़ी होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए आपसे कहूँगा कि जो है आप एफर्ट करिए, एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आइए। डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप अपने आप को किसी डायरेक्शन में नहीं लगा पाओगे। अपने आप को चाटा मारो जोर से, इधर से मारो इधर से मारो, अगर नहीं लग पा रहे खुद को चाटा मार कर डिसिप्लिन पर ले आओ। डिसिप्लिन जब तक नहीं ले आओगे ना तब तक आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, ये आप प्रूवन है, ये आपको आज से 20 साल बाद समझ में आएगी, 25 साल बाद समझ में आएगी, 30 साल बाद समझ में आएगी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। नहीं हो तो अपने बड़ों का कहा हुआ समझो कि वो चीज़ सही है। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि इतनी लंबी सी जो मेहनत होती है, इतना सारा कुछ जो हार्डवर्क होता है, उसको इतनी सी चीज़ में बता के दे दो, दैट इज़ फार्मूला। जैसे कि आप अगर बीमार पड़ते हैं एक टैबलेट खाते हैं, वो टैबलेट एक फार्मूला है, राइट? क्योंकि उस टैबलेट को बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगा होगा, बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे उसके पीछे काम किया गया है, बट आपको उसका एक छोटा सा फॉर्मूला यानी फॉर्मुलेटेड फॉर्म में आपको कैप्सूल के रूप में दे दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अपने आप को डिसिप्लिन पे लेके आओ। डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे हो तो अपने आप को पनिश करो अलग अलग तरीके से, तभी आप अपने आप को डिसिप्लिन पे ले आ पाओगे। और डिसिप्लिन में आ जाओगे तो फिर डेफिनेटली आपको धीरे 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 समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है यार, सब कुछ कैसे चलता है। ओके, बाकी हर इंसान खुद से कोशिश करते 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 ही सीखता है, ठीक है? किसी के बताने से सिर्फ शुरुआत हो सकती है, बाकी चलना तो आपको है। ये जो बातें हैं मैं किसी की कहीं सुनाई नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने जैसे और जो दोस्त हैं उनको चाहें तो शेयर कर सकते हैं, बाकी अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, मेरी कोशिश शायद उनके लिए कुछ बदलाव ला सकती है। ओके, तो नमस्ते, मैं आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा।